नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार को कारण बताओ नोटिस जारी। कार्यकारी मंडल की बैठक के लिए भोपाल पहुंचे मोहन भागवत। भोपाल सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने पर सांसद नाराज। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, उनके पुत्र मुदित शेजवार और सुमावली के पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार को पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध और पार्टी विरोधी गतिविधियों की गंभीर शिकायत मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी ने नेताओं को जारी किए नोटिस में प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। भोपाल में आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक के लिए मोहन भागवत राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत बुधवार से 7 नवंबर तक भोपाल प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मोहन भागवत क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा हर साल अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष यह बैठक क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भोपाल पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल पहुंचने पर मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मोहन भागवत जी का भोपाल में पुनः स्वागत है। क्या भाजपा की गिरती साख पर चर्चा करेंगे? क्या खुलकर करोड़ों में बिकने वाले पूर्व विधायक को संघ के चाल चरित्र और चेहरे से परिचित कराएंगे? साथ उन्होंने कहा, यह संघ भी विधायकों की खरीद फरोख्त का समर्थन करती है। भागवत जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस तरह की बात दिग्विजय सिंह ने कही है। दीपावली के समय भोपाल शहर में गंदगी का अंबार लग सकता है और यह चेतावनी दी है नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और कचरा वाहन चालकों ने। दरअसल मध्यप्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ के बैनर तले नगर निगम के सफाई कर्मचारी और वाहन चालकों ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वह चले जाएंगे। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। नगर निगम के सफाई कर्मचारी 3 चरणों में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। 5 नवंबर को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 7 नवंबर को नगर निगम मुख्यालय का घेराव करेंगे और उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो 11 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नगर निगम कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं उनमें 25 दिवसीय कर्मचारियों को नियमित किया जाए, कर्मचारियों का बीमा कराया जाए, 25 दिवसीय प्रथा खत्म की जाए और कर्मचारियों को उनके मूल पद नाम से संबोधित किया जाए। नगर निगम के कर्मचारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो नगर निगम के करीब 6,000 सफाई कर्मचारी और वाहन चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। नहीं दिया जाता, सारे कर्मचारियों को छुट्टी का लाभ साप्ताहिक मिलता है। कोरोना काल जैसी विषम परिस्थिति में भी हमारा नगर निगम का कर्मचारी घर में नहीं बैठा, वो शहर की गंदगी साफ करने में लगा रहा। शहर के क्या पूरे वर्ल्ड में ये कह दिया गया था कोरोना है, आप लोग घर में रहें, लॉकडाउन चल रहा था, कोई घर से नहीं निकले, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी को ये निर्देश जारी किए गए थे घर में नहीं रहना, जो घर में रहेगा वो नौकरी से चला जाएगा। मजबूरी में अपनी पेट की खातिर वो घर से निकला, शहर की गंदगी साफ करी और बीमारी से शहर के सारे नागरिकों को उसने बचाया, लेकिन नगर निगम प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा कि नगर निगम का कर्मचारी कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो हमारा निवेदन है कि नगर निगम के कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश का लाभ दिया जाए, विनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाए, 25 दिवसीय प्रथा समाप्त की जाए, उनको नियमित करें। हमारे कर्मचारी जो संगठन है, जो हमारे जोन अध्यक्ष हैं वगैरह, हमारे संगठन का जो पत्र लगता है उसका जवाब नगर निगम प्रशासन नहीं देता, परामर्शदात्री की बैठक नहीं कर रहा, हमारे मांगों के लिए हमसे चर्चा के लिए बुलाया था नहीं है,
तो ये हमारी एक मजबूरी हो गई है कि हम लोग आंदोलन करने नहीं, हमारा कोई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मतदान समाप्त हो चुके हैं, लेकिन नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी की खबरें अभी भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में जनहित से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार 5 साल में कोई काम नहीं करती तो जनता तय करती कि कांग्रेस का क्या करना है। इसके साथ ही उन्होंने कई और आरोपों में भी भाजपा पर निशाना साधा है। आइए आपको सुनाते हैं कि जीतू पटवारी ने अपने बयान में क्या कहा। लोकतंत्र की हत्या के महापाप का महासजा देने वाली है 28 सीटों की हमारे आम मतदाता शिवराज सिंह जी और ज्योतिराय सिंधिया। मैं मानता हूं सरकार भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति में, जैसा कि सर्वविदित है, रोज मीडिया डोमेन में बातें हैं, कंगाल हो चुकी है, आर्थिक दिवालियेपन पे, नगरी निकायों को जो पैसा 324 करोड़ देना था वो लगभग 200 करोड़ रुपए रिलीज कर रहे हैं। 6 महीने से कर्मचारियों की, खासकर नगरी निकाय के कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बटी हैं। ये घोतक है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 7 महीने में कुकृत्य किए, मध्य प्रदेश को कहां ला के खड़ा कर दिया। शिवराज सिंह जी चौहान ने सिर्फ मेरी सरकार बची रहे बनी रहे, सिर्फ भाषणबाजी, घोषणाएं, नारियल और उन उन विधानसभाओं में भूमि पूजन और सारा फंड ले जाने की कोशिश, मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात को बिगाड़ दिए। मुझे तो डर है, शंका है कि 1-2 दिन में कहीं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा के एक आध हफ्ते में वो वसूली चालू नहीं कर देगी। तो नीतिगत निर्णय कोई भी ये सरकार 10 तारीख तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जाने वाली है और कमलनाथ जी आने वाले हैं। मैं मानता हूं पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ने की घटना पर पूरे देश के हिंदू समाज में आक्रोश है। इसी के साथ इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी का भी इस घटना पर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CAA के माध्यम से नागरिकता देने की राह आसान की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि सांसद शंकर लालवानी ने क्या कहा। पिछले 20 दिनों में पाकिस्तान में 3 बार हिंदुओं के मंदिर पर हमला हुआ है और हाल ही में कल रात को कराची में एक गणेश जी की मूर्ति तोड़ी गई, शिवलिंग भगवान शंकर की मूर्ति तोड़ी गई, दुर्गा माता की तस्वीर फेंक दी गई, तोड़ी गई। इस प्रकार कट्टरपंथियों द्वारा लगातार वहाँ हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारे और हिंदू और सिखों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा ही वहाँ चलेगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CAA बिल लाकर वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू सिख, उनको यहाँ बसाने के लिए कानून लाए हैं, पर वहाँ जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है, लोगों में आक्रोश है और वो चाहते हैं कि ये सब रुकना चाहिए और इसकी देश में नहीं पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है। पति की लंबी आयु के लिए मनाए जाने वाले पर्व करवा चौथ इस बार बुधवार को मनाया जा रहा है। इस दौरान इंदौर के बाजारों में मंगलवार के दिन भी महिलाओं ने जमकर खरीदी की। पर्व को लेकर शहर की दुकानें भी देर रात 10 बजे तक खुली रही। इधर कपड़ा बाजार, ज्वेलर्स, सजावट के स्टोर में भी काफी भीड़ देखने को मिली। किसी ने लहंगा खरीदा तो किसी ने सिल्क की साड़ियां। कुल मिलाकर करवा चौथ पर बाजार पूरी तरह धूमधाम से भरा रहा। वहीं करवा चौथ पूजन के लिए खास माने जाने वाले मिट्टी के करवा भी बाजार से खरीदे गए। फिलहाल कोरोना के बीच करवा चौथ को लेकर बाजार में रौनक लौटने से व्यापारियों ने राहत की सांस भी ली है। वहीं भीड़ की वजह से बाजार में शारीरिक दूरी का उल्लंघन भी खूब हुआ। खरीदारी के उत्साह में ज्यादातर महिलाएं मास्क भी पहनना भूलती हुई दिखाई दी। किस प्रकार आपने व्रत रखा है और क्या स्पेशल है इसमें? तो बहुत कुछ स्पेशल है भैया, इसमें हर औरत अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है।
शॉपिंग में क्या स्पेशल आपने खरीदा है? बहुत सारी चीजें स्पेशल है इसमें, चलनी है करवे की, वो परवा है, किताब है, पूजा की पुड़िया, माता की पुड़िया, बहुत सारी चीजें स्पेशल है इसमें। सोने की बात की जाए तो मार्केट में सभी चीजों के भाव ज्यादा है, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार सोने या हर चीज के भाव ज्यादा है? हाँ, भाव तो ज्यादा ही है हर चीज के। आपका नाम बता दीजिए। और पूजा गढ़वे, पूजा पचोरिया। त्योहारों का समय चल रहा है, किस तरह की गिराकी देख रहे हैं? ग्राहकी अभी दो चार दिन से बहुत बढ़िया है और अच्छी ग्राहकी है, और आगे भी ब्याह शादी का सीजन आने वाला है, क्योंकि अप्रैल में, मार्च में, मई में लॉकडाउन के कारण शादियां नहीं हो पाई, तो वो सब शादियों का मुहूर्त अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में है, तो उस हिसाब से ग्राहकी अभी बहुत बढ़िया है। आज करवा चौथ का त्यौहार है, किस प्रकार से ग्राहकी चल रही है, किस प्रकार से महिलाएं हैं यहाँ पर सामान? अभी देखते हैं, कोरोना का डर भी कुछ इंदौर में कम हुआ है, तो ग्राहकी महिलाओं की भी अच्छी है और महिलाएँ घर से अब निकल रही है, तो करवा चौथ की ग्राहकी भी अभी अच्छी थी। पायल, बिछुड़ी, ये सुहाग की जो वस्तुएं हैं, ये महिलाएं लेती हैं, कभी जैसे उनका मंगलसूत्र है ये टूट जाता है तो उसका रिपेयरिंग होता है, और उसको नया भी लेते हैं, नया जूना होता है, तो करवा चौथ की भी अभी अच्छी ग्राहकी है। बात की जाए ऑनलाइन की, ऑनलाइन शॉपिंग अभी बहुत चलन में है, तो उससे क्या ग्राहकी में फ़र्क पड़ा? देखिए, ऑनलाइन आज का एक ट्रेंड हो गया है, तो व्यापारियों को थोड़ा सा ऑनलाइन पे आना तो चाहिए। कारण क्या है कि जैसे अभी बीच में डर का जो माहौल था, लोगों घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे, तो ऑनलाइन को उनको महत्व दिया था, मगर मुझे लगता है कि सोने में इतना ज़्यादा ऑनलाइन उठाव नहीं ला पाएगा, क्योंकि सोने को देख के ही लेना पड़ता है और नाप वाप का भी बहुत सारा फर्क रहता है, अंगूठी का एक रिंग का साइज रहता है, तो ऑनलाइन थोड़ा सा सोने के बनिस्बत दूसरी चीज़ों में। इंदौर के भौरकुआं थाना क्षेत्र से एक बेहद ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक 5 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले युवक दिनेश ने अश्लील हरकतें की। गौरतलब है कि काफी देर तक बच्ची के ना दिखने पर बच्ची की माँ उसे ढूंढते हुए दिनेश के कमरे तक जा पहुंची, जहां दिनेश उसकी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करता पाया गया। जैसे ही बच्ची की मां ने शोर करना शुरू किया तो आरोपी वहां से भाग गया। भरकुआ पुलिस आरोपी दिनेश के खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। ऐसा हुआ कि मजदूर वर्ग के लोग हैं, बाहर से आए हैं यहाँ पर काम करने, करीबन 1.5 महीना ही हुआ है बच्ची को यहाँ पर आए हुए, और बच्ची 5 साल की है, बहुत ना समझती है। उसके पास में 2 दिन पहले एक व्यक्ति रहने आया था, दिनेश नाम है उसका, वो भी साथ में वहाँ काम करता था उसके पिता के साथ में। 2 दिन पहले ही उनके घर पर रहने आया है, पास वाले रूम में ही रहता है घर के। उसने कल रात को बच्ची जब शाम को खेल रही थी, तब उसने उसको पैसे की लालच दे करके, मैं तुझे पैसे देता हूँ इसका, ऐसा करके उसको अपने कमरे में बुला लिया। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, उसमें एक सोफ़ा लगा हुआ है, बस ऑफिस टाइप का है कमरा। उस सोफे पर लेटा कर और उसके साथ गंदी हरकतें करी, तो माँ ढूंढ रही थी बच्ची को कि दिख क्यों नहीं रही है बाहर, तो जब उसने देखा तो कमरा बंद था वहाँ पर। फिर उसने उसके लॉक जो रहता है, छेद रहता है उसमें, उसके अंदर से देखा तो वो बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। फिर उसने चिल्लाया तो वो आदमी निकल के दरवाज़ा खोल के भाग गया। आरोपी की अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अभी ये फरार है आरोपी, उसे जल्दी पकड़ लिया जाएगा जानकारी प्राप्त करके। धारा इसमें पॉक्सो एक्ट की लगाई है, पॉक्सो एक्ट बच्ची 5 साल से कम की है, 5 साल की है, 12 साल से कम की, तो उसमें कहीं धाराएं लगी है। सब इंस्पेक्टर नेहा जैन। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। We'll be right back.